हमारी मांग है कि हम लोग का बहाली 2016 में हुआ है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारे ट्रेनिंग में भेजा जाए और हमारी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। हमारी सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द पूरा करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे को लेके आए हैं। नौकरी की आस को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में होमगार्ड के अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। ये देखिए, रांची जिला के होमगार्ड की अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी दोनों हैं, और ये यहाँ पर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि ताकि सरकार के कानों तक इनकी बात पहुँचे और इनकी नियुक्ति हो। आप देखिए कि गोद में बच्चे लेकर महिला यहाँ पर पहुँची है। क्या नाम है आपका? सरिता कच्छप। बच्चा को लेकर आए हैं? जी हाँ। क्या क्या मांग करे? हमारी मांग है कि हम लोग का बहाली 2016 में हुआ है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारे ट्रेनिंग में भेजा जाए और हमारी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। तो ये कब आप लोग निकाला गया था? 2016 में निकाला गया था, 2017 में दौड़ हुआ था, 2018 में हम लोग की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी 4 साल बीत गया है लेकिन अभी तक हम लोग को कोई ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं हमारे झारखंड सरकार से कि हमें जल्द से जल्द ट्रेनिंग दिया जाए और हमारी जो नियुक्ति पत्र है उसे दिया जाए। तो अभी क्या कर रहे हैं उसके बाद से? इन 4 सालों में हम लोग ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ नहीं काम जी नहीं। तो बिल्कुल देखिए, अपने बच्चे को लेकर ये महिलाएं पहुंची है यहाँ पर आंदोलन करने और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितूरा। हाँ? नितूरा। तो कहाँ से आए? रांची जिला है। बच्चा को लेकर आए हैं आंदोलन? हाँ। में बच्चा को लेकर आए, 4 दिन से है, आज 5वां दिन है। अच्छा, क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों की नियुक्ति मतलब क्यों नहीं हो रही है? हमारी सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द पूरा करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे को लेके आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है केशवती कुमारी, हम रांची जिला के हैं, मेरा प्रखंड है बुंडू पड़ता है, और 1/2016 का जो हम लोग का विज्ञापन था और 4 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो झारखंड सरकार का कहना था हम लोग का, हेमंत सोरेन का, कि बेरोजगार को जो रोजगार देंगे, तो जो हम लोग बेरोजगार को जब रोजगार के लिए जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें हम लोग भर भर चुके थे, और जब देखते हुए हमारी सरकार हम लोग को नज़र में नहीं देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को बहुत दुख का बात है। और जितना ही जल्द होगा हमारी सरकार से मेरा प्रार्थना है, उसे हम विनती करते हैं, और हम लोग का आशा ही नहीं विश्वास भी है, जितना ही जल्द होगा हमारी सरकार हम लोग को जल्द ही जल्द ट्रेनिंग में दे दिया जाए। और अभी आशा है कि जैसे कि वो हमारे पास यहाँ आके वो हमसे मिले और बोले कि हाँ आप लोग को हम लोग को मतलब डेट एकदम निश्चित तय करें कि इतना डेट को आप लोग को ट्रेनिंग में दे दिया जाएगा, बस यही हमारी सरकार से हम लोग का निवेदन है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग जब नहीं हुआ? नहीं हुआ उसी का आशा से, जैसे कि हम लोग को आश्वासन इतना दिन देते आए हैं, मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिल चुके हैं ना, इसके पिछले बार जब लॉकडाउन नहीं हुआ था कोविड-19 के पीछे में हम सरकार के पास मिले थे, हमारी सरकार बोले कि पूरा मतलब डॉक्यूमेंट जांच लेंगे और आप लोग को मार्च में ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा बोला। तो चलिए उसके लिए तो क्षमा चाहते हैं मतलब मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि हम लोग का जो बीमारी आ गया कोविड-19 में उसमें लॉकडाउन में कुछ काम नहीं हो पाया, लेकिन अभी तो हम लोग को ध्यान दें, अगर यदि हम लोग को नहीं लेंगे ना तो हम लोग सोच लिए हैं कि ये अनिश्चितकालीनी जो है ना धरना, इसमें हम लोग यदि नहीं सरकार आएंगे और हमारी सरकार यदि ट्रेनिंग में जल्द से जल्द नहीं लेंगे और ये निर्णय नहीं देंगे, तो हम लोग जितना जो गृहवाहिनी जो सफल होके आए हैं यहाँ, हम लोग अपना आत्महत्या सब लोग कर लेंगे। हाँ, क्यों? अभी तो इसके बाद तो बहुत हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग को कुछ चारा और भोर हम लोग का कुछ शक्ति था ना, हम लोग को अभी 2016 का वैकेंसी था, अभी तो एच भी हम लोग का हो गया, कुछ वैकेंसी भी भरने का हम लोग का कोई आशा भरसा नहीं है, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं जी के क्या करेंगे, और हम बल बच्चा को ना पोल पासेंगे ना तो कुछ पा रहे हैं, किधरों नहीं हो रहे ना, घर का हो रहे हैं ना घाट का हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, बाल बच्चा भी हम लोग पसने नहीं सक रहे हैं, हम लोग कई शादीशुदा हो गए, पति लोग से भी हम लोग दूर हो रहे हैं, उस समय तो हम लोग लड़ाई के वैकेंसी निकाला था, चलिए भरेंगे तो अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे,
कुछ आगे बिजनेस करेगा बोल के सोचे थे ना, तो बाल बच्चा को भी तो नहीं सक रहे हैं पढ़ाने लिखाने, कुछ कमाएंगे तब तो। इसीलिए हम लोग COVID-19 का तहत से यहाँ उम्मीद है ना, इस सरकार से तो उम्मीद है। हाँ उम्मीद तो पूरा उम्मीद है और आशा भी है कि हो जाएगा बोल के। तो बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार से इन्हें उम्मीद है और आशा भी है, और इसी उम्मीद और आशा के साथ यहाँ पर ये धरना पर बैठी हैं। और देखिए ये कुछ पुलिस अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेश्वर। कहाँ से आए? ड्रोंडा से हैं। रुकिएगा, तो ये क्या लग रहा है कि 2016 में जो निकली थी वैकेंसी अब तक क्यों नहीं हो भैया? ये तो देखिए सरकार का कमजोरी है, सरकार हम लोग को पता नहीं क्या समझते हैं क्या नहीं, हम लोग समझ में नहीं पा रहे। हम लोग तो सरकार से पूर्ण उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम लोग का झारखंडी है हेमंत सोरेन जी, हम लोग का कुछ करेंगे, आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, जिस कारण हम लोग को अभी धरना में बैठना पड़ गया। सब आप लोग रांची जिला से हैं? यस। कितना लोग हैं? 1029 है हम लोग। अच्छा, आप कहाँ? आप भी? आप भी? जी हम भी। कहाँ से? रांची से हैं, मोहनपुर। मोहनपुर से? तो उसके बाद से, उसके बाद और कोई वैकेंसी आप लोग नहीं भरे, उसमें नहीं शामिल? देखिए असल हम लोग का इसी में जागरूक हम लोग हो पाते, इसी में हो जाएगा, तो फिर हम उम्मीद था इसी में था, ठीक ना, उसके बाद कोई वैकेंसी हम नहीं भर पाए। तो हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है उससे उम्मीद है आप लोग? पूरा उम्मीद है, बस हम लोग यही चाहिए प्रशिक्षण में जल्दी जल्दी प्रशिक्षण में भेज देवे, हमको बहुत उम्मीद है इनसे, क्योंकि हमारे राज्य के हित में काम। सरकार तो बोल रही है कि सारे जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं ये पुरानी सरकार का पाप है और इस सरकार में हमको भुगतना पड़ रहा है। देखिए वैकेंसी तो हमारे बीजेपी की सरकार में ही निकली थी, और उसके बाद जब हुआ सो हुआ, दिस दैट हुआ, आगे पीछे जो हुआ सो हुआ, मगर जब अभी जो मंत्री है, अभी जो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जो है वो हमारे काम कर देवे, बस उसी से यही मांग है। क्या बोल रहे हैं आप? जी हम यही चीज बोल रहे थे, जो हम लोग की बहाली निकली थी वो पिछले जो सरकार थी उसी टाइम में निकली थी हमारी बहाली 2016 में, और 2016 में निकलने के बाद में 2018 तक जितने भी प्रोसेस होती है, जितने भी विभागीय कार्रवाई होती है, टोटल कंप्लीट हो चुकी है। 18 के बाद इधर 2 साल जितने भी बचे, 2 साल में अभी तक सिर्फ हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिला है, और अभी तक कोई भी इसका जो है निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग तो अभी तक कोई डिसीजन मिला ही नहीं है कि हम लोग कब आप लोगों को ज्वाइनिंग में भेजा जाएगा या फिर आप लोगों को कुछ मिला जाएगा, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिला है। तो बिल्कुल देखिए 2016 से अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, और यही वजह है कि अब जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी है तो उम्मीद के साथ रांची के मोरहाबादी मैदान में ये आंदोलन शुरू किए हैं। हालांकि अब तक इनसे कोई वार्ता नहीं हो पाई है, कोई मिला आके बात हुआ किसी से? सर अभी से तो किसी से बात नहीं हो पाया है, उम्मीद है ना कि सरकार? उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि आएगी और हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। क्या लग रहा है कि इन लोगों का आंदोलन जो चल रहा है सरकार नहीं सुन रही है, कोई वार्ता नहीं हो पाया अभी? देखिए हम लोग पूरा छात्र नेता जितना भी है तमाम संगठन इन लोग का समर्थन करते हैं, क्योंकि 2016 में सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इन लोग को साजिश के तहत बैठा कर रख दिया गया है, और ऐसा मांग पूरा नहीं होगा तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि युवा ताकत कोई मतलब ये ताकत बहुत बड़ी ताकत होता है। सरकार को हम लोग हर तरह का निरंतर रणनीति के तहत घेरेंगे, लेकिन यही बैठे बैठे हम आश्वासन तभी हम लोग को दे चुके हैं कि आप लोग को नियुक्ति पत्र यहाँ से मिलने के बाद ही आप लोग को उठना है, और तभी जाके पूरा एकदम हम लोग हौसला बुलंद के साथ सबको डटे हुए हैं, और एक निश्चित हुआ है कि जब तक हम लोग का यहाँ प्रशिक्षण के लिए तिथि और जगह घोषित नहीं होता है तब तक ये अनिश्चितकालीन चलेगा। तो बिल्कुल जब तक ट्रेनिंग की तिथि घोषित नहीं होती है और सरकार में इनकी नियुक्ति के लिए राजी नहीं हो जाती है तब तक इनका आंदोलन चलेगा। हालांकि इनके अलावा राजधानी रांची के इसी मोरहाबादी मैदान में इस वक्त कई आंदोलन चल रहे हैं, और हर किसी को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद लेकर ही यहां पहुंचे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जब सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा था तो सरकार के एक मंत्री यहाँ पर वार्ता करने के लिए भी पहुँचे थे, और उसके बाद उनके आवास पर जाकर वार्ता हुई और फिर वार्ता सफल भी हुई, और यही वजह है कि अब इन तमाम अभ्यर्थियों के मन में एक उम्मीद जगी है और इसी उम्मीद के साथ ये धरने पर बैठे हैं। शुक्रिया। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in